जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदार। मीन राशि वालों, 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच एक बड़ी खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, जिसके कारण 12 राशियों में से कुछ राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती है, तो मीन राशि वालों को मालामाल भी कर सकती है, क्योंकि समस्त चराचर जगत की आत्मा कहे जाने वाले और जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है और जिसे वेदों में भगवान का नेत्र कहा गया है, वैसे सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक, सर्व शक्तिमान भगवान सूर्य देव 17 सितंबर से आपके राशि के परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि कन्या संक्रांति होने वाली है, जिसके कारण देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव होगी। कई जगह अचानक मौसम बदलेगा, तेज बारिश तो कहीं पर गर्मी बढ़ने लगेगी। सूर्य का असर देश दुनिया पर भी पड़ेगा, तनाव और विवाद बढ़ेंगे। इनके प्रभाव से सरकार बड़े और फायदेमंद फैसले ले सकती है। इन सब के बीच सबसे बड़ा लाभ मीन राशि वालों को इसीलिए प्राप्त होगा क्योंकि सूर्य जय भाव के लोड होकर दैनिक व्यवसाय भाव में स्थित रहेंगे, तो उनकी त्रिपाद दृष्टि आपके कर्म भाव और पराक्रम भाव पर भी पड़ने वाली है, जिसके कारण आपको कई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी शायद आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। दोस्तों, मैंने 29 अगस्त शुक्र के राशि परिवर्तन की वीडियो में भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा था राजनीति, सत्ता, स्पोर्ट एवं फिल्म उद्योग में बड़े परिवर्तन की परिस्थिति बनेगी। शेयर बाजार की चमक आसमानों को छूलेगी। देश में आर्थिक सुधार होगा, तो आप देख भी सकते हैं कि भारत ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आ गया है और मेरी यह भविष्यवाणी भी शत प्रतिशत सच होती जा रही है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में क्या बदलाव कर सकता है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव यानी कि दैनिक व्यवसाय भाव, प्रेम भाव, दाम्पत्य भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए कई तरह के लाभ दिलाने या प्रत्याशित और सुखद परिणाम प्राप्त करवाने के लिए अवसर लेकर आ रहा है, जिसके कारण आप वाकई में मालामाल हो सकते हैं। यदि आप झगड़े, विवाद तथा कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले से जुड़े हुए हैं, वहां पर आप विजयी हो सकते हैं। तो इस वक्त आपकी स्थायी संपत्ति में नव निर्माण, पुनर्निर्माण के योग के साथ प्रॉपर्टी खरीदने की भी संभावनाएं बढ़ चुकी है, और यदि आप किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो उसका भी पूरे पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। आप चाहे माने या न माने, बुद्धादित्य योग के साथ सप्तम स्थान में सूर्य मीन राशि वालों को व्यवसाय में मुनाफा, नौकरी में तरक्की, परिश्रम का फल तो प्रदान करते हैं, साथ में आर्थिक विषमताओं को दूर करते हुए धनागमन की स्थितियों को सुदृढ़ करते हैं, जिसके कारण इस दौरान आपकी मानसिक तनावपूर्ण स्थितियां पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी और आपके लिए विकास के नए नए रास्ते खुलते नजर आएंगे। शादी विवाह से संबंधित वार्ता में विलंब हो रहा था, दाम्पत्य जीवन में कटुता आ गई थी, तो समझ लीजिए अब आपकी तकदीर पूर्ण रूप से बदल सकती है। पारिवारिक सुख के साथ संतान प्रादुर्भाव के भी योग पूर्ण रूप से बन गए हैं। छोटे भाई बहनों की तरफ से लाभ हो सकता है। भाई बहनों को भी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके परिवार में तनाव की स्थिति को दूर कर देगी। हालांकि 24 सितंबर के बाद सूर्य शुक्र की युति होगी, जो स्त्रियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से शुभ नहीं कही जा सकती। छोटी मोटी परेशानियों से आप दो चार हो सकते हैं, आपका सेहत प्रभावित हो सकता है, तो सहकर्मी एवं अधिकारियों का कोप का भी सामना करना पड़ सकता है। सूर्य इस वक्त सभी तरह के टेंडर देने वाले, चाहे वह सरकारी जगह पर हो, प्राइवेट जगह पर हो, उनके लिए अनुकूल रहेंगे, आपको कार्य प्रदान करेंगे, तो राजनीति से जुड़े साधक शासन सत्ता का पूर्ण सुख प्राप्त करेंगे। यहाँ तक ओजे का अधिकारी एवं पद पर विराजमान जातकों को भी आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बना रहा है, क्योंकि सूर्य हर तरह के आकस्मिक लाभ प्रदान करता है जब वह सप्तम स्थान में होता है। यदि आप अपनी रणनीति तथा योजनाओं को गोपनीय रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफल रहेंगे। यहाँ तक सितंबर महीने में आपको किसी मित्र अथवा संबंधी से भी प्रिय समाचार प्राप्ति के योग बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान वह युवा शॉर्टकट तरीके से पैसे
कमाने के चक्कर में धन निवेश करने की सोचना योजना बना रहे हैं तो उन्हें निवेश के बदले स्थायी कार्य के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सूर्य आपको स्थायी कार्य उच्च पद पर विराजमान होने के अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। जॉब इंटरव्यू में आपके प्रभाव के चलते आप सफल हो सकते हैं, खासतौर पर जो जातक बैंकिंग, इंजीनियरिंग, आईटी एवं फार्मेसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें जॉब चेंज एवं मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ वह नवयुवा भी कार्य के साथ जुड़ेंगे जो कई दिनों से घर पर विराजमान होकर जॉब की तलाश कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं नौकरी करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा, तो जिंदगी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भी ले जा सकती है। व्यवसायी लोगों की व्यापार की गति एकदम से बढ़ती नजर आएगी, नए संपर्क उत्पन्न होंगे, तो इस वक्त बड़े व्यवसायी एवं बिजनेसमैन के सामने कोई बड़ी डील आ सकती है जो उन्हें आने वाले भविष्य के लिए नया रास्ता प्रदान करेगी। यदि बिजनेस को लेकर कोई नया प्लान बन रहा है तो सूर्य के गोचर में करना लाभदायी रहेगा, क्योंकि किया गया निवेश आपको भविष्य में अवश्य लाभ दे सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में शुभ योग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। और सबसे बड़ा लाभ, कार्य क्षेत्र में लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होने से रूप में प्राप्त होगा, चाहे वह वीजा संबंधी समस्या हो, स्थायी निवास संबंधी समस्या हो, प्रेम संबंधी समस्या हो, ये सारी उलझने अब समाप्त होने जा रही है। फिर भी समय में क्रोध में वृद्धि हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन अच्छे से करें एवं आक्रामकता से बचना रहेगा, वरना परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी।